बस आज जो मैं आप सभी से बात शेयर करने जा रहा हूँ, ये ना ही बीए रैंक की बात है ना ही सीएस रैंक की बात है, ये मेरी थोड़ी रियल लाइफ के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और इसीलिए ये बात मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जीरो से मुझे मिलियंस में पहुंचाया है जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और शायद इसीलिए मैं आप सभी से ये बात शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो फ्री फायर गेम की जो आईडी है वो अभी टाइम पे स्कैम हो चुकी है। और शायद ये बात तुम लोगों को मजाक लग रहा हो कि लकी भाई ये शायद वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी आईडी सच में स्कैम हो चुकी है और किसने स्कैम कि उसके बारे में प्रूफ भी मैं दे दूंगा आगे चल के। लेकिन मैं तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आज तक मैंने कभी भी नहीं बोला कि वीडियो को लास्ट तक देख लो, लेकिन आज बोलता हूँ कि मेरी ये वाली वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना, इसमें मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी अगर तुम लोग वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो, क्योंकि मेरी आईडी तो स्कैम हो चुकी है लेकिन तुम्हारी आईडी स्कैम होने से बच जाएगी। और मेरे पास अभी टाइम पे एक भी आईडी नहीं थी, तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए अपने दोस्त की आईडी से आया था। और अगर तुम मेरी फ्री फायर गेम की आईडी अगर सर्च करोगे तो वहाँ पर लकी गेमर नहीं सोनू 2 मिलियन करके नाम आएगा। मैंने इतनी मेहनत से अपनी आईडी को ग्रैंड मास्टर पे लगाया था, मेरी आईडी का यहाँ पर नाम वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया है। ये आईडी जब एक लेवल की थी ना, तब से इस आईडी से मैं डेली वीडियो बनाता था और अभी के टाइम पे इस आईडी का 69 लेवल हो चुका है और इसे किसी और के गिल्ड के अंदर घुसा दिया है। और अगर मेरी रियल गिल्ड अगर तुम लोग देखोगे तो मेरी रियल गिल्ड का भी नाम यहाँ पर लकी गेमर ही था और यू आईडी तुम लोग सर्च कर सकते हो। और अभी के टाइम पे मेरी रियल गिल्ड का ओनर पता नहीं किसे बना दिया है, इस बंदे को मैं नहीं जानता जो बंदा मेरी गिल्ड का ओनर बना फिर रहा है। लेकिन अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये मेरी आईडी नहीं है, तो तुम लोग मेरी आईडी अगर YouTube पे भी सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। और मैंने इतनी मेहनत से CS और VR दोनों के अंदर ग्रैंड मास्टर लगा रखा था और तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरी ही आईडी है फ्री फायर गेम की, तो तुम्हें बता दूं कि मेरी आज से कुछ दिनों पहले CS रैंक के अंदर और VR रैंक के अंदर आईडी ब्रॉन्च हुई थी, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी और उसी वीडियो के अंदर मैंने फ्री फायर गेम की अपनी UID भी दिखाई है। और ये सिर्फ आईडी ही नहीं है, ये मेरी इमोशन थी, ये मेरी फीलिंग थी, क्योंकि मैंने इस आईडी से ना जीरो से स्टार्टअप किया था और अभी 69 लेवल कर दिया है। और भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है जिस बंदे ने मेरी आईडी स्कैम की है, तो तुझे मैं बता दूं कि तेरे बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया। अगर मैंने तेरे ऊपर गलती से एक भी केस ठोक दिया तो इससे तुझे सजा तो मिल जाएगा और मेरी आईडी भी रिकवर हो जाएगी, लेकिन इसमें तेरी मॉम और डैड का ना बहुत ज्यादा इंसल्ट होगा। गांव और मोहल्ले में जिधर भी तेरे मॉम और डैड जाएंगे ना, तो उधर तेरी वजह से सिर्फ उनके ऊपर थू थू करेंगे लोग। लेकिन सिर्फ एक आईडी के लिए मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी मॉम ना मेरी मॉम है और मुझे पता है कि मेरी मॉम ने मुझे मेहनत से इतना बड़ा किया है। और इसीलिए मैं शायद तुझे रिस्पेक्ट के साथ में ये वीडियो बना के तुझे नोटिस दे रहा हूँ कि अगर तूने मेरी इज्जत से आईडी वापस नहीं की, तो मैं तुझे बता दूं कि मेरे पास एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं अपनी आईडी लेने के। और तुझे अगर ये लगता है कि मेरी आईडी स्कैम हो जाएगी तो मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं छोड़ूंगा, तो एकदम ही तू गलत है ब्रो, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो मुझसे प्यार करती है, ना कि मेरी आईडी से। और हाँ, अगर तुझे अपनी इज्जत की नहीं पड़ी है ना, तो अपनी मॉम और डैड की इज्जत तो कर ले, क्योंकि उन्होंने तुझे इतना बड़ा किया है, पाल पोस कितना बड़ा किया है और उन्हें तुझसे उम्मीदें हैं कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, लेकिन तू आईडी स्कैम कर रहा है। अगर किसी को भी पता चल गया तेरे गांव मोहल्ले में, किसी को भी ये बात पता चलेगी, तो तेरी इज्जत तो नहीं होगी लेकिन तेरे मॉम और डैड की भी इज्जत लोग नहीं करेंगे। तो तुझसे मैं एक ही चीज हाथ जोड़ के बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ तुझसे कि मेरी आईडी रिटर्न कर दे ब्रो, क्योंकि ये सब काम अच्छी बात नहीं है। आईडी स्कैम करके एक दिन खुशी रहेगा, दो दिन खुशी रहेगा, लेकिन पूरी लाइफ में खुशी रहना तो तुझे काम से अपने प्यार करना होगा और मेहनत करना होगा, और तब जाके लाइफ में तू कहीं सक्सेसफुल आदमी बनेगा और तब जाके तेरी लोग इज्जत करना स्टार्ट करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे हर एक जगह पे तुझे। लेकिन अगर भाई तू अगर मेरी ये वाली वीडियो देख रहा है, तो मैं तुझसे एक ही चीज बोलूंगा, अगर तू मेरी आईडी इज्जत से अगर दे देता है तो मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलूंगा, तेरे ऊपर कुछ भी केस वगैरह नहीं करूंगा। लेकिन अगर तू मेरी इतनी बात सुनने के बाद मेरी आईडी रिटर्न नहीं करता है, तो ब्रो तू तैयार रहना, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बस इतना ही बोलूंगा। और गाइस, जिसको भी रिडीम कोड चाहिए वो एक बार कमेंट वाली वीडियो जरूर जाके देख लेना, 100% वर्किंग ट्रिक है रिडीम कोड लेने की, तो एक बार कमेंट वाली वीडियो जरूर जाके देख लेना।